प्यारे दोस्तों, क्रिकेट सर्जरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 5 विकेट से जीत हासिल की है। 10 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 245 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 15 गेंदे शेष रहते ही हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीकी टीम की जीत के हीरो रशी वैन डर डुशेन रहे। बताना चाहेंगे कि डुशेन के 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 95 गेंदों में नवाब 75 रन बनाए। एंडिले फिलिवाओ ने भी 37 गेंद पर नवाब 39 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल रहा। फिलिवाओ और डुशेन ने 65 रनों की अटूट साझेदारी की। विकेटकीपर बल्लेबाज पिंकन डिकॉक ने शीर्ष क्रम में 41 रनों का उपयोगी योगदान दिया। अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान और मोहम्मद नबी को 2-2 सफलताएं हासिल हुई। इस हार के साथ ही अफगानिस्तान का मौजूदा वर्ल्ड कप में सफर समाप्त हो गया है। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल्स में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 438 रनों के अंतर से जीत हासिल करने की ज़रूरत थी, जो कि नामुमकिन सा ही लग रहा था। चौथे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान रेस में है। हालांकि चौथे फाइनलिस्ट के लिए न्यूजीलैंड की दावेदारी बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है। यदि हम पाकिस्तान की बात करें सेमीफाइनल्स में एंट्री करने की, तो उसे 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ 287 रनों के भारी अंतर से मैच जीतना होगा। एक और ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, यदि वह इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम टारगेट चेज करती है तो उसे 284 गेंद बाकी रहते हुए मुकाबला जीतना होगा। हालांकि ऐसा करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे में दोनों ही मामलों में पाकिस्तान को अब कुदरत के निजाम का ही सहारा मान सकते हैं। यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता है तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स में चला जाएगा। भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुके हैं। बताते चलें कि साउथ अफ्रीका की जो पारी थी, साउथ अफ्रीका की पारी पहला विकेट टेम्बा बावुमा जो कैप्टन है वो आउट हुए 23 रन बना के। 64 पे पहला विकेट गिरा। दूसरा विकेट पिंकन डिकॉक के रूप में 41 रन बना के आउट हुए। मोहम्मद नबी ने इनको आउट किया। 66 के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा। तीसरा विकेट एडन मार्करम के रूप में गिरा, 25 पे आउट हुए। राशिद खान के द्वारा 116 पे तीसरा विकेट गिरा और हेनरिक क्लासेन का चौथा विकेट गिरा, 10 पे आउट हुए। राशिद खान ने इनका विकेट लिया 139 पे। पांचवा विकेट जो गिरा इनका डेविड मिलर का, 24 पे आउट हुए। मोहम्मद नबी ने इनका विकेट लिया 182 के स्कोर पे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानी टीम की शुरुआत अच्छी रही और उसमें 40 रनों के स्कोर तक कोई विकेट नहीं खोया था। शुरुआती पावर प्ले में रमनुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले। अफ्रीका को पहली सफलता केशव महाराज ने दिलाई, जिन्होंने गुरबाज को भेजा। उर्जमई ने भी अच्छी पारी खेली। गुरबाज के बाद अफगानिस्तान ने 2 विकेट कम अंतराल में ही गंवा दिए थे। 45 रनों पर तीसरा विकेट गिरने के बाद रहमत शाह और अजमतुल्लाह उर्जमई ने 49 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला। रहमत को लुंगी एंड निकी ने चलता किया और यहां से अफगानिस्तान को उर्जमई से बड़ी पारी की दरकार थी। उर्जमई ने अफगानी फैंस को निराश नहीं किया और तूफानी पारी खेलकर अपने टीम को 244 रनों के स्कोर तक पहुंचने में मदद की। उर्जमई ने 107 गेंदों का सामना करते हुए नवाब 97 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। इसके अलावा रहमत शाह और नूर अहमद ने 26-26 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका के लिए केराल कौतती ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस मैच से पहले साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक मुकाबला खेला गया था। वो साल 2019 के वर्ल्ड कप में हुए उस मैच में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया था। तब अफगानिस्तान की टीम महज 125 रनों पर आउट हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने 28.4 ओवर्स में ही टारगेट हासिल कर लिए थे। प्यारे साथियों, बताना चाहेंगे कि जो अच्छा काम, जो कारनामा, जो क्रिकेट आपका अफगानिस्तान खेली है इस बार के वर्ल्ड कप में, वैसा क्रिकेट उस लेवल की टीम को खेलते हुए किसी ने नहीं देखा है।
जो इसके नीचे जो पुरानी टीम्स हैं, जैसे इंग्लैंड की टीम है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नीदरलैंड की तो बात छोड़ दीजिए, नीदरलैंड तो नई टीम है। अगर अफगानिस्तान के नीचे देखें तो इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका तीन टीमें हैं जो कि पॉइंट टेबल्स में नीचे हैं अफगानिस्तान से। जाहिर सी बात है अगर नीचे हैं तो इन्होंने अफगानिस्तान से अच्छा मैच नहीं खेला। तो अफगानिस्तान ने लोगों के दिलों में राज किया है अपने क्रिकेट के बदौलत, अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन दुर्भाग्यवश सेमीफाइनल्स में अफगानिस्तान को जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत अच्छा प्रयास किया। साथियों, इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान में से एक को क्वालिफाई करना है, और अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड, ये चारों टीमें आउट हो चुकी हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको इस तरह के कंटेंट्स हम देते रहेंगे। हमारे कंटेंट्स को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।